ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार सीधे तरीके से आपसे जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वहां पर ये मेथड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जुगाड़ बुद्धि से आप लोग जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पाओगे, अपने स्कोर को जो एग्जाम में बूस्ट कर पाओगे। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं तेजी से। प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर में हमारे पास में फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो ऑफर है वो है कि आपको जो कोर्स है वो 1999 में अवेलेबल है और साथ में आपको 2023 का जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स आप लोग चेकआउट करो और उस डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में उसी पेज के अंदर में आप पेमेंट को प्रोसेस करोगे, ठीक है, आगे प्रोसीड करोगे पेमेंट के लिए। एंड पेमेंट प्रोसेस होने के बाद में आपको सारी चीजें जो है ईमेल पे आपके प्रोवाइड करी जाएगी। इस कोर्स से बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है, अगर आपका जेईई मेन का स्कोर 60 70 80 90 100 इस रेंज में अटकता है, आपको बूस्ट करके 160 170 180 इस रेंज में लेकर के जाना है तो आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जुगाड़ बुद्धि से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को आप बेसिक लेवल से सीखोगे और एडवांस लेवल तक जाओगे, अपने माइंडसेट को आप डेवलप करोगे जिससे कि आप बहुत ज्यादा नंबर को जो एग्जाम में बूस्ट अप कर पाओगे। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से अपने स्कोर को बूस्ट अप किया था, इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने स्कोर को जो है इस कोर्स के थ्रू हेल्प से बूस्ट अप करने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप लोग एनरोल करो, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो, और यहाँ पे मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। जेईई मेन 2021 में एक ही शिफ्ट के एक ही पेपर के सारे तीन क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले लिए। यहाँ पर आप दो क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर आप जो है तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर में हम लोग कम नॉलेज और स्किल में किस तरीके से हम लोगों को जो है तुक्का मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ध्यान से जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। यहां पर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस देख सकते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ही रेशियो पूछा है ना, मतलब कि ऊपर भी वेवलेंथ नीचे भी वेवलेंथ, तो ये आना चाहिए एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, अगर ऊपर भी वेवलेंथ है नीचे भी वेवलेंथ, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ पूछा है ना, तो ऊपर भी वेवलेंथ नीचे भी वेवलेंथ, तो डायमेंशनलेस आना चाहिए। अभी E इक्वल टू MC स्क्वायर टाइप का होता है, आपको ये चीज पता है डायमेंशन में, ठीक है। डायमेंशन में भी हाफ MV स्क्वायर आप बोल सकते हो, तो यहां पर कुछ मत करो, आप E के जगह MC स्क्वायर डाल दो। तो यहां पर अगर मैं MC स्क्वायर डालता हूं तो M से M कटेगा, C स्क्वायर है और रूट भी है, तो 1/C स्क्वायर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है तो ये ऑप्शन को क्या करूंगा मैं, एलिमिनेट कर दूंगा। समझ गए, सिंपल स्टेप्स, क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। यहां पे करो इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर करोगे एम से एम कटेगा, सी स्क्वायर का रूट आएगा सी, सी बाई सी आ जाएगा डायमेंशनलेस। सो दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच वी आर लुकिंग फॉर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहां पर देख लो, आप एक बार चेक कर लो, इक्वल टू एम सी स्क्वायर डाल दो, एम सी स्क्वायर एम से एम कटेगा, सी स्क्वायर है और रूट है, मतलब कि सी आ जाएगा, तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस नहीं है, कट गया। और आप यहां पर भी देखोगे इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर रूट लोगे तो एमसी आ जाएगा, एमसी स्क्वायर फाइनली आ जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे हमने यहाँ पर तीन ऑप्शन को एलिमिनेट किया जस्ट बाय पुटिंग इक्वल टू एमसी स्क्वायर। अब इक्वल टू एमसी स्क्वायर आप सारे बच्चों को पता होता है, या फिर इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर डायमेंशनली आपको पता होता है, तो कुछ नहीं करना। कई बार क्या होता है जेईई मेन के अंदर में स्टेप से आप डायमेंशन से क्वेश्चन को उड़ा दोगे, बस आपको एक बार इस तरीके से थोड़ा सा चेक करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, डायमेंशन से क्या होता है, कई बार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो। जैसे यहां पर आपको क्या पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 दिया हुआ है, फाइनली आपको क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता है, कम पढ़ के गए हो, तो हार थोड़ी मानोगे आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप लोग तुक्का मारोगे, लेकिन तुक्का आप तभी मारोगे जब आपके तुक्के की सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% तक हो, राइट। तो यहां पर क्या है, आप देखो अगर डायमेंशन वाइज देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास में के स्क्वायर अपॉन के, मतलब के का डायमेंशन। यहां अगर आप देखोगे तो के अपॉन के स्क्वायर, मतलब कि 1/k का डायमेंशन। यहां देखोगे आप तो के अपॉन के स्क्वायर, मतलब कि 1/k का डायमेंशन। और यहां अगर आप देखोगे तो के स्क्वायर अपॉन के, मतलब कि के का डायमेंशन। तो सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में जो डायमेंशन आ रहा है वो के का आ रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तो ये थर्मल कंडक्टिविटी आउटपुट में आ ही नहीं रहा है।
ये तो 1 बाई थर्मल कंडक्टिविटी आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि 2 आएगा तो 2 मारो, अगर आपको लगता है 2 नहीं आएगा तो 2 मत मारो, ऑप्शन डी मारो, जो आपका मन का फील बोल रहा है ना। मुझे पता है आपका मन का फील यही बोल रहा है कि 2 वाला ऑप्शन जो है सही होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। क्योंकि सोच के देखो, 2 ही क्यों दिया, 1 दे सकता था, 1 तो चलो ओके है ही, 3 दे सकता था, 4 दे सकता था, 5 दे सकता था। स्पेसिफिक नंबर जब ऐसा 2, 3 ऐसा जब आ जाता है ना, तो थोड़ा सा हाई चांसेस होता है कि वो नंबर कहीं ना कहीं सॉल्व करके आया होगा, और उसमें भी 2 वायर हैं, 2 आइडेंटिकल वायर, तो कहीं ना कहीं चांस बनता है कि कहीं ना कहीं सॉल्व वॉल्व करके शायद 2 आ जाए, ठीक है। तो वो एक इंट्यूशन वाली बात है, आप डिसएग्री कर सकते हो इस बात पे, बट फील आप में से काफी सारे बच्चों को ऑप्शन ए का जो है यहाँ पे पूरा पूरा फील आएगा, तो आप इसको तुक्का मार सकते हो, डी को एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी सॉल्व करके देख लेना इसका आंसर क्या है, आप लोग अपने एंड से कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ना यार बहुत शानदार मैं आपको ट्रिक दिखाने वाला हूं, डायग्राम बना के हम कैसे ट्रिक लगाएंगे आप देखना, बहुत शानदार है, ठीक है। हो सकता है मैं इसको ढंग से समझा ना पाऊं, तो थोड़ा आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। यहां पर आपको फोर्स दिया है 4i-3j, ठीक है, 4i-3j। पहले तो आप ना थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा बनाने का ट्राई करो, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 60, ये हाइट हो जाएगा 10 sin 60, है ना, 10 sin 60। और इसको मैं ऐसे ना इस तरीके से ऐसे मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इस तरीके से मैं ऐसे इसको कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं ऐसे इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूं। तो मेरे को ये देखना है इसकी हाइट कितनी है और ये बेस कितना है इस ट्राइंगल का। तो ये तो हो जाएगा 10 cos 60 बेस, ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, क्लियर है। और हाइट देख लेते कितना हो जाएगा, 10 sin 60, साइन 60 मतलब कि 5√3 हो गया, 10 sin 60, 10 √3/2, 5√3, 5√3 मतलब 1.7 × 5 मतलब कि 8.5 के आसपास हो गया। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 8.5 यूनिट्स के आसपास हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो अभी क्या है, इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 रफली, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ये जब 5 इधर गया तो ये नीचे 8.5 गया, ठीक है, 8.5 नीचे गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रफली 8.5 ऐसे नीचे गया। अभी ये सोचो कि 4i-3j को आप प्लॉट करो, फोर्स को आप प्लॉट करो, है ना। 4i का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट, और -3j का क्या मतलब है, वाई डायरेक्शन में, -y डायरेक्शन में 3 यूनिट, मतलब कि एक्स में जाएगा 4 यूनिट और इधर जाएगा कितना, रफली 3 यूनिट। तो इधर 4 यूनिट गया मतलब यहां पहुंचा 5 से एक कम, और अगर नीचे 3 यूनिट आया मतलब कि यहां पे पहुंचा 3 के आसपास, समझ गए। तो जो फोर्स का हमारे पास में ग्राफ है, बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं आज, जो हमारा फोर्स का जो हमारे पास में है ना वेक्टर, वो ऐसा है, देखो ध्यान से, वो वेक्टर ऐसा है फोर्स का, समझ गए। प्लॉट किया मैंने 4 इधर 3 नीचे, अंदाज से मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। अब टॉर्क चाहिए, टॉर्क किस पॉइंट पे चाहिए, एक तो पी पॉइंट पे चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ एंड क्यू, पहले ओ के रेस्पेक्ट में और फिर क्यू के रेस्पेक्ट में। तो अगर ओ के रेस्पेक्ट में निकाले तो ये हमारे पास में ओपी वेक्टर है इस तरीके से, समझ गए, ठीक है। और क्यू के रेस्पेक्ट में निकाले तो ये हमारे पास में जो है इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं डायग्राम को यहां बना रहा हूं, ओपी वेक्टर इस तरीके से और फोर्स वेक्टर इस तरीके से, ये हमारा फोर्स वेक्टर है, ये ओ है, ये पी वेक्टर है, समझ गए आप बात को। तो पी पॉइंट पे निकालना है, फोर्स इस तरफ है, ओ के रेस्पेक्ट में निकालना है, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आएगा, वेरी क्लियर, आर क्रॉस एफ कहां आएगा, अंदर की तरफ आएगा, मतलब कि के मतलब माइनस के अंदर आएगा, मतलब अंदर की तरफ आएगा बेसिकली, ठीक है। अब अगर सेम चीज हम लोग क्यू के रेस्पेक्ट में देखें तो डायग्राम ऐसा होगा, क्यू से इधर आएगा पी और पी से इधर आएगा एफ, है ना। तो इस केस में भी आप देखो आर क्रॉस एफ करते हैं ना, बेसिकली हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ है ना, इस तरीके से करेंगे, R क्रॉस F, R क्रॉस F दोनों केस में अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें भी अंदर आ रहा है, इसमें भी अंदर आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों केस में क्या होगा, माइनस K की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, समझ गए आप बात को। दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, O के रेस्पेक्ट में भी, Q के रेस्पेक्ट में भी। अभी घंटा फर्क नहीं पड़ता साले का मैग्नीट्यूड क्या है, आप खाली चेक करो, ध्यान से देखना, ऑप्शन सी देखो, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, समझ रहे हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। ऑप्शन डी अगर आप देखो तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको माइनस के की तरफ चाहिए, समझ गए। ऑप्शन बी अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हो नहीं सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया,
समझ रहे हो? ऑप्शन ए में आप देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये हमारा आंसर ए होने के चांसेस है, क्योंकि ये दोनों हमारा माइनस के की तरफ आ रहा है नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, माइनस 15 माइनस 20 जो भी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, 15 माइनस 20 जो भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। ऑप्शन डी में दोनों पॉजिटिव वैल्यू था, ठीक है, और बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बी और सी तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहां दोनों हमको नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, तो हमने ऑप्शन ए को यहां पर जो है तुक्का लगा लिया। बहुत बढ़िया, यहां पर जो है टेक्निक मैंने आपको दिखाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक्चुअल में हमने मैथमेटिक्स से टॉर्क निकाला ही नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्शन देख लिया और डायरेक्शन के बेस पर हमने देख लिया दोनों माइनस के की तरफ है, ए ऑप्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है यहां पे, ठीक है। अगर हम साइन कन्वेंशन वगैरह को देखें, ए ऑप्शन सबसे ज्यादा है, डी ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऊपर की तरफ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से जो है जेईई मेन में आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। यहां पर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को स्क्रैच से सीखनी है, माइंडसेट डेवलप करना है, मेरे जैसा दिमाग अगर आप लोगों को बनाना है कि आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को जेईई मेन में उड़ा सको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो और अपने स्कोर को जो है वो आप बूस्ट कर पाओगे, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।